जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग माकपोल की पूरी प्रक्रिया को समझेंगे, माकपोल प्रमाण पत्र भरना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, और पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। माकपोल मतदान से 90 मिनट पूर्व माकपोल प्रारंभ करना अनिवार्य है। यदि कोई पोलिंग एजेंट न भी उपस्थित हो तो 15 मिनट इंतजार करने के बाद माकपोल अवश्य प्रारंभ किया जाएगा। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्यवाही नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। नोटा सहित 50 उम्मीदवार को कम से कम एक मत तथा न्यूनतम 50 मत डाले जाएंगे। माकपोल यानी छदम मतदान प्रमाण पत्र पर अपने हस्ताक्षर करें एवं उपस्थित सभी पोलिंग एजेंट के हस्ताक्षर करा लें। यदि माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात है और यदि सेक्टर मजिस्ट्रेट उपस्थित हो तो उनका भी हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करा लें। यदि वीडियो डिजिटल कैमरा हो तो वीडियोग्राफी अवश्य करा ले। बीयू को वीवीपैट से एवं वीवीपैट को सीयू से जोड़ें। ध्यान रहे कि जोड़ते समय सीयू मशीन का स्विच ऑफ दशा में हो। इस प्रकार हम बीयू को वीवीपैट से और वीवीपैट को सीयू से जोड़ेंगे। बीयू का केबल वीवीपैट में लगेगा, अब वीवीपैट का केबल सीयू में लगेगा। सीयू व वीवीपैट के पीछे का ये भाग है, आप देख लीजिए। बीयू का केबल वीवीपैट में लग रहा है और वीवीपैट का केबल सीयू में लग रहा है। ऐसे ही आप कनेक्शन करेंगे। बीयू सीयू व वीवीपैट को जोड़ने के उपरांत वीवीपैट को अनलॉक करने हेतु उसके पीछे लगे नाब को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर वर्टिकल पोजीशन पर कर ले। इसके पश्चात ही सीयू को ऑन करें। अब देख लीजिए, पहले वाले फोटो में नाब जो है लॉक पोजीशन में है। अब इसको जब वर्टिकल कर देंगे तो अनलॉक पोजीशन में हो जाएगा। सीयू को ऑन करते ही वीवीपैट की हरी बत्ती जल जाएगी तथा वीवीपैट में 7 पर्ची प्रिंट होंगी, जो वीवीपैट के सही होने का प्रमाण है। यदि वीवीपैट की हरी बत्ती नहीं जल रही है तो निम्न जांच करें। पहला, केबल कनेक्शन सही है कि नहीं। ब्लैक नॉब अनलॉक पोजीशन वर्टिकल पोजीशन में है कि नहीं। सिलेक्शन स्विच 1 पर है कि नहीं, ये वीवीपैट का चेक करना है। सीयू ऑन होते ही बीप आवाज़ देगा। ऑन लैंप से हरी बत्ती तथा प्रदर्शन खंड में स्क्रीन पर बारी बारी से ईवीएम इज ऑन, डेट, टाइम, सीरियल नंबर, कैंडिडेट तथा बैटरी हाई है कि लो है प्रदर्शित होगा। यह कैंडिडेट की संख्या चेक कर ले। कुछ क्षण के पश्चात केवल हरी बत्ती ही जलती रहेगी। इसका मतलब है कि ईवीएम सही स्टार्ट हो गया है, ईवीएम सही है। माकपोल प्रारंभ करने से पहले क्लियर बटन दबाएं, जो सीयू पे होता है। यदि क्लियर बटन दबाने पर लिंक एरर प्रदर्शित हो तो इसे दूर करने के लिए केबल को ठीक से लगाकर खींच कर देख ले कि ठीक से लग गई है या नहीं। यदि क्लियर बटन दबाने पर इनवैलिड डिस्प्ले होता है तब सबसे पहले क्लोज बटन, उसके बाद रिजल्ट बटन और उसके बाद क्लियर बटन दबाकर सीआरसी चक्र पूरा करें। क्लियर करते ही डिस्प्ले डेट टाइम दिखेगा। उस और बाद कैंडिडेट्स उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित होगी। उस समय के बाद टोटल वोट पोल 0 का प्रदर्शन होगा, जिसका तात्पर्य है कि मशीन में कोई वोट नहीं पड़ा है। इसके तुरंत बाद बारी बारी से सभी उम्मीदवारों के लिए मतों की संख्या 0 प्रदर्शित होगी।
तत्पश्चात स्क्रीन पर एंड प्रदर्शित होगा। इसके बाद उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं के समक्ष मॉक पोल कराया जाए। सर्वप्रथम सीयू पर टोटल बटन दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे कि मशीन में कोई वोट नहीं है। प्रत्येक प्रत्याशी के लिए नोटा नन ऑफ द एबव सहित न्यूनतम एक मत डालकर 50 वोटों का मतदान माकपोल के लिए मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति में किया जाएगा। यह सुनिश्चित कर ले कि वीवीपैट में बीयू बैलेट पेपर से संबंधित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे हैं, यानी जब आप माकपोल कराएंगे बीयू पे, जब आप प्रत्याशी को वोट देंगे तो जो वीवीपैट में पर्ची छप रही है वो सही छप रही है, जिस प्रत्याशी को दे रहे हैं उसी प्रत्याशी की चुनाव चिन्ह छप के आ रहा है। माकपोल के बाद क्लोज बटन दबाए तथा पोल क्लोज प्रदर्शित होने का इंतजार करें। इसके उपरांत रिजल्ट बटन दबाए और सभी उम्मीदवारों को दिए गए मतों को वीवीपैट से जारी स्लिप से मिलाए तथा प्रत्याशी वार माकपोल का परिणाम माकपोल सर्टिफिकेट के भाग एक पर अंकित किया जाएगा। वीवीपैट के ड्राप बाग से पर्चियों को निकालकर प्रत्याशी वार लगाया जाएगा एवं कंट्रोल यूनिट से प्राप्त प्रत्याशी वार परिणाम से मिलान किया जाएगा। वीवीपैट की पर्ची के परिणाम का भी अंकन माकपोल सर्टिफिकेट के भाग एक पर किया जाएगा। यह है अनुलग्नक 5 पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, जो माकपोल का प्रमाण पत्र है। देख लीजिए, लिखा है भाग एक माकपोल दिखावटी मतदान का प्रमाण पत्र। पहला है निर्वाचन का नाम, विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक, लोकसभा क्षेत्र का नाम एवं क्रमांक, मतदान केंद्र का क्रमांक, माकपोल का संचालन एवं माकपोल डाटा का सत्यापन। क्रम संख्या एक में देखिए लिखा हुआ, क्रम संख्या एक लिखा है अभ्यर्थी का नाम, ये नामों में नोटा को भी सम्मिलित किया जाए। दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या तीसरे नंबर में। चौथे नंबर में परिणाम जांच करते समय कंट्रोल यूनिट सीयू के द्वारा दर्शाए गए मतों की संख्या। पांचवे में अभ्यर्थी वार वीवीपैट के द्वारा मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या। छठे में कंट्रोल यूनिट के द्वारा दर्शाए गए परिणाम एवं मुद्रित पेपर स्लिप की संख्या मेल खाता है, हाँ या नहीं। राजनीतिक दल का संक्षिप्त नाम आवरिक निर्दलीय अंकित करते हुए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। ऐसे ही सबका नोटा सहित सबको ऐड करके लिखेंगे। बी माकपोल डाटा को क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया, हाँ या ये नहीं। यदि हाँ तो उपरोक्त वाक्य को स्याही से लिखें, अगर हाँ है तो सबको पेन से लिखना है। सी माकपोल के बाद वीवीपैट से सभी मुद्रित पेपर पर्चियाँ निकाल ली गई, हाँ पेन से लिखेंगे। डी सभी मतदान अभिकर्ताओं को रिक्त वीवीपैट दिखाया गया, हाँ। ई वास्तविक मतदान से पहले सुनिश्चित किया गया एवं मतदान अभिकर्ताओं को यह भी प्रदर्शित किया गया कि कोई भी मुद्रित पेपर स्लिप वीवीपैट ड्रॉप बॉक्स में नहीं है, तो दिखा के या हम हाँ लिख दें, यहाँ पे हाँ लिखा जाएगा। या कंट्रोल यूनिट में टोटल बटन को दबाकर मतदान अभिकर्ताओं को दिखाया गया कि टोटल 0 है, हाँ लिखा जाएगा यहाँ पे। जी माकपोल वीवीपैट पर्चियों पर माकपोल स्लिप की मुहर लगी हुई है और काले लिफाफे में डालकर पिंक पेपर सील के माध्यम से सील की गई है, यहाँ हाँ लिखा जाएगा। यच निम्नांकित व्यक्ति माकपोल के समय साक्षी रहे हैं एवं उनके द्वारा प्रमाणित किया गया है कि माकपोल उपरांत दिखावती मतों का मिलान हुआ एवं दिखावती मतों को कंट्रोल यूनिट से मिटा दिया गया। इसके बाद यहाँ मतदान अभिकर्ता का नाम हो जाएगा, दल का नाम किस दल का है, निर्दल है तो निर्दल हो जाएगा, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट यहाँ पे
कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक के अनुसार समय लिख दिया जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और यदि मतदान केंद्र पर नियुक्त किया गया है तो उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम एवं हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यह प्रमाणित किया जाता है, ये सब भर देंगे, टोटल वोट 0 दर्शाती है, ये सब करके पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे, और यहाँ पे एक मतदान अधिकारी का नाम हो जाएगा, उसका हस्ताक्षर हो जाएगा कि उसके सामने मिलाया गया और वोटों को 0 कर दिया गया। उक्त भाग एक सर्टिफिकेट पर पीठासीन अधिकारी एवं उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से किया जाएगा तथा पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा भाग एक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व की घोषणा भी भरकर हस्ताक्षर कराया जाएगा। उपस्थित माइक्रो ऑब्जर्वर से भी हस्ताक्षर कराए। तत्पश्चात क्लियर बटन दबाकर माकपुर रिजल्ट को शून्य किया जाएगा तथा अभियोगकर्ताओं को भी दिखाया जाएगा। माकपुर वीवीपैट पर्ची के पिछले हिस्से पर माकपुर स्लिप की मुहर लगाकर पर्चियों को काले लिफाफे में रखें और इसे पिंक पेपर सील से सील करें। पीठासीन अधिकारी पर्चियों के काले लिफाफे पर विधानसभा क्षेत्र का नाम एवं संख्या, मतदान का दिनांक, मतदेय स्थल का नाम एवं संख्या माकपुर वीवीपैट स्लिप अंकित करेंगे। ये देख लीजिए, वीवीपैट से प्राप्त माकपुर स्लिपों को सील करना। माकपुर से प्राप्त स्लिपों को उपलब्ध कराए गए ये काले रंग के लिफाफे में रखकर पिंक पेपर सील से सील कर सील पर हस्ताक्षर करना है। ये आप कर लेंगे। आप ये देख लीजिए, वीवीपैट के स्लिप कंपार्टमेंट को सील करना। जब माकपुर हो जाएगा तो वीवीपैट के जो स्लिप कंपार्टमेंट है उसको हमको सील करना आवश्यक है। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पूर्व वीवीपैट की यूनिट का निचला हिस्सा अर्थात ड्राफ्ट बॉक्स को एड्रेस टैग लगाते हुए सील करेंगे। वास्तविक मतदान प्रारंभ होने से पहले वीवीपैट के ड्राफ्ट बॉक्स को सील करना अति आवश्यक है। सीयू को स्विच ऑफ किया जाएगा। तत्पश्चात सीयू के रिजल्ट सेक्शन को AB ग्रीन पेपर सील स्पेशल टैग लगाकर सीयू को सील करेंगे। सीयू को ऐसे ही सील करना है, देख लीजिए आप लोग। सीयू पर AB ग्रीन पेपर सील लगाया जाएगा। ये जो रिजल्ट सेक्शन है इसमें ग्रीन एवं पिंक जो पेपर सील है वो लगाकर इसको इसका ऊपर का ढक्कन बंद करके और इसको सील कर दिया जाएगा। सीयू पर स्पेशल टैग लगाया जाएगा, जो क्लोज बटन है वहाँ पे स्पेशल टैग लगा के सील कर दिया जाएगा। सीयू पर AB ग्रीन पेपर सील लगाया जाना, देखिए कैसे लगाना है। इसी से सीयू का रिजल्ट सेक्शन जो है सील होगा। उसके पश्चात सीयू पर एड्रेस टैग लगाया जाना। इसके बाद सीयू पर एड्रेस टैग लगाकर उसे सील किया जाएगा। यह है EVM माकपोल का सीक्वेंस। पहले क्लियर करेंगे, फिर बैलेट से वोट देंगे, फिर क्लोज करेंगे, फिर रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद क्लियर करेंगे और उसके बाद स्विच ऑफ कर देंगे सीयू का और उसको सील करेंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। और भी लोकसभा चुनाव से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें। जय हिंद साथियों।